तहसील कार्यालय में ज्ञापन के दौरान ग्रामीण महिलाएं रोती बिलकती रही और एसडीएम को अपना दुख दर्द बयां करती रही। महिलाओं एवं ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम भावखेड़ी में हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय चाहिए। रोड निर्माण के दौरान तोड़े जा रहे मकानों के मुआवजे एवं जो बेघर हुए उनको प्लॉट मिले। भावखेड़ी के ग्रामीण इछावर एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव से रोते बिलकते अपना दुख दर्द बयां कर रहे थे। वहीं एक अपंग महिला भी बैसाखी के सहारे तहसील कार्यालय पहुंची, जहां ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि सीहोर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम भावखेड़ी में एमपीआरडीसी द्वारा अमलाह रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान ग्राम में लगभग 20 नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास सहित 180 मकान टूटे हैं, जिससे कई लोग बेघर हो गए हैं। बहुत से लोगों की दुकानें टूट गई है, वह भी बेरोजगार हो गए हैं। जिसके परिवार वालों को नुकसान हुआ है उन्हें भी अभी तक किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। अतः माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस संकट की घड़ी में जिन लोगों के मकान टूटे हैं उन्हें जल्द से जल्द आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, गरीबों की जिंदगी बसर हो सके। यहाँ पर भूत बंगले नहीं रहे तो वहाँ पर जगह मिल जाए, जिनके पास जगह मिल जाए ज्ञापन पहुँचा दे। सोसाइटी समूह बचत करते, 100-100 रुपए का खर्चा, 20 हर महीने 20 रुपए बचत हो, बस समूह सोसाइटी समूह की दीदी। जब मुख्यमंत्री समूह की दीदी हमको बहना मनाया तो फिर क्यों परेशान है त्याग बताओ, समूह का पीछे कितना कर रहे हैं आपको पता है, समूह सोसाइटी कितना। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट।